छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक टीचर के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि 21 जुलाई 2022 को जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा, अगर जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है और बीएड तो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जिनका यदि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक बनने के लिए, यदि जो स्टूडेंट जिनका यदि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और 800 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती है। और आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि शिक्षक का जो भर्ती आपका 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, कब तक जो है इसकी परीक्षाएँ होगा, और जो विद्यालय है वो हिंदी माध्यम या इंग्लिश मीडियम में आपका जो है वैकेंसीज है, और क्या इसका एग्ज़ाम जो है व्यापम लेगा या फिर पीएससी लेगा। तो आप लोगों को जितने भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होगा। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि 10,000 वैकेंसीज आया है, इसके लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बुक लिस्ट का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिशर होते हैं और वो जो वैकेंसीज आता है बहुत सारे बुक अपने पब्लिश करते हैं, लेकिन उनसे एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि जो बुक पब्लिशर है वो बुक पब्लिश कर रहा है, उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो जो बुक पब्लिशर रहते हैं वो पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं और उसमें लगभग 500 से 1000 ही एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो एक या दो बुक पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है सीजी गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये शिक्षक कर्मी का 10,000 पोस्ट है। तो इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कम से कम 10 से 11 बुक आपको पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से राइटर्स का आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि वो बुक का प्राइस आपको कितना मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि 10,000 वैकेंसीस आया और उसके लिए लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म फिलअप होंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि 3 से 4 लाख जो स्टूडेंट है इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके बीच में हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा, और हम उनसे किस तरह से कॉम्पिटिशन में आगे निकल सकेंगे, और हमारा सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो मैं आप लोगों को आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जो है आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। कॉम्पिटिशन अपने आप से खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अपने जहन में दिमाग में कभी भी मत सोचना कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो टूटेजर ट्यूटोरियल्स के हो, दिल्ली आईएएस एकेडमी और हरिराम पटेल सर के कंपटीशन एकेडमी, तो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कभी भी ये मत सोचना, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए और सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो आप जो है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं उन सभी स्टूडेंट को बीट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपका वैकेंसीज में जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पोस्ट आया है उस वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप जो है गवर्नमेंट टीचर आप जो है बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यही सही मौका है आप लोगों के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि एक ही बार में आप लोगों के लिए शिक्षक के 10,000 पोस्ट आए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट जो है आप लगाइए इस एग्ज़ाम्स के लिए, और जो भी आपके पढ़ाई के बीच में यदि बाधा उत्पन्न हो रहा है उन सभी चीज़ को सेक्रीफाइस कीजिए और ख़ुद को एक रूम में बुक कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकता हूँ। और कोई आपको बोले कि तुम एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे या तुम्हारे 10th में 12th में ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज है, कम परसेंटेज है, तो आप लोगों को बता दूं परसेंटेज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता, सिर्फ एग्ज़ाम्स में जो है आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। इसमें सीजी का जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप बीए वाले स्टूडेंट हो, बीएससी बीकॉम, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी नर्सिंग, आप कोई भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड जो है 2 साल का होता है, और जो डीएलएड वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको इसमें मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बीएड और ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, ये हो गया। और टीचर बनने के लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेट जो है 2 तरह से होता है, एक होता है सी टेट और दूसरा होता है एस टेट। चाहे वो सी टेट में आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एस टेट मतलब स्टेट
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दोनों में से अगर आपका एक क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बात करें कि आपको कौन कौन से बुक्स आपको तैयारी करना चाहिए और कितने प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस से एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो 150 प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपको जो है एक अंक का होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा तो उसमें मैथ्स से रीजनिंग और मैथ्स से रीजनिंग और जीके आपका विज्ञान। तो बात करें मैथ्स से के तो मैथ्स में आपका बीजगणित, ज्यामिति, शंकु, लघु गणक, बहुलक हो गया, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, आकृति, ये सभी आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। यदि आप मैथ्स से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बुक लिस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो मैथ्स से की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंगणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स से की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें रीजनिंग की, जितनी अच्छे से मैथ्स आपको तैयारी करना है उसी तरह से आपको जो रीजनिंग रहता है तार्किक वस्तुनिष्ठ अंगणित उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसके लिए आप जो है रीजनिंग अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया रहता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे कि मुझे तो इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो नंबर आता है ना और जो आप में ओवर कॉन्फिडेंस है कि ग्रामर मुझे आसानी से आ जाता है, वो आपके तुक्का होने से होता है। तुक्का लगाते हैं इस वजह से आपका नंबर आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट में कहें तो आपको कुछ भी इंग्लिश का ग्रामर नहीं आता। तो यदि आप इंग्लिश में पूरी तरह से वीक हैं, आप लोगों को इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ग्रामर में जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इनॉनमेंस, इनॉनमेंस, ये सभी आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं आपके ग्रामर। तो यदि आप ग्रामर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बुक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। ये वन ऑफ द मोस्ट बुक है इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए, जो आपके CGPSC हो गया, व्यापम हो गया, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे, सभी एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। CG करंट अफेयर्स के अलावा आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स समसामयिक घटना चक्र की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अलावा आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो मंथली मैगजीन आपका रिलीज होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से आएगा। तो संविधान की तैयारी के लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना, जिससे आपके संविधान की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात करें जनरल साइंस, आपका विज्ञान से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है, जो दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन का, इसे आपको खरीदना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सीजी करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के जलवायु, छत्तीसगढ़ की जनजाति और वन, इन सभी टॉपिक से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इन सभी के कम्प्लीटली यदि आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यदि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हरिराम पटेल सर के कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें इतने अच्छे से बारीकी से आपको जो है डायग्राम से हर एक चीज़ पूरा बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आप जो है ले सकते हैं, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए टूटेजर ट्यूटोरियल्स का प्रतियोगिता सारांश लेना है। प्रतियोगिता सारांश में लगभग 5000 MCQ क्वेश्चन जो है दिया रहता है, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिट है। और इंडियन हिस्ट्री के नाम को जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स के आपको इंडियन हिस्ट्री लेना है। और इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आएंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है, जिससे इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बस आप लोग खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, सेल्फ स्टडी करके कर सकता हूँ।
ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करें उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। वहाँ पर सिर्फ आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही ट्रिक आपको बस बताया जाता है। उसके पास कुछ ऐसा मूल मंत्र नहीं है कि आप जो है बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा रहेगा ना तो आप जो है इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो 10,000 वैकेंसीज आए उस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करें कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज के लिए आपको जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया कि 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है और इसके लिए एग्ज़ाम्स के अब कब फॉर्म फिलअप करना है ये अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को शिक्षक भर्ती के संबंध में जो भी जानकारी बताया, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बना रखना, और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट किसी का अगर थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में फैमिली में वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें सही समय में सही जानकारी जो है मिल सके। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू आप सभी का।